कैप्टन एच पांड्या। गुजरात के कैप्टन एच पांड्या टाटा आईपीएल 2022 में बैट और बॉल के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हैं। वे टूर्नामेंट के टॉप 5 रन गेटर्स और फैंटेसी पॉइंट एक्यूमुलेटर्स में से एक हैं। पिछले मैच से पहले तक वे नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, बट कोलकाता के खिलाफ पिछले मैच में वे नंबर 3 पर बैटिंग करने आए। अगर वे नंबर 3 पर कंटिन्यू करते हैं तो उन्हें फैंटेसी पॉइंट्स बनाने का और भी बेहतर मौका मिलेगा। बैटिंग के साथ साथ वे एक गन फील्डर भी हैं और मैच के की मोमेंट्स में हॉट स्पॉट्स में फील्डिंग करते हैं और कैचेस एंड रन आउट से भी पॉइंट्स देते हैं। हैदराबाद के खिलाफ इस टॉप ऑफ द टेबल क्लैश में वे एक अच्छे कैप्टन चॉइस हैं। वाइस कैप्टन टी नटराजन। SRH के फास्ट बॉलर नटराजन इंजरी से वापस आने के बाद से एक नए अवतार में दिख रहे हैं और नटराजन 2.0 डेथ में विकेट्स लेने के साथ साथ पावर प्ले में भी विकेट्स ले रहे हैं। नटराजन 2 विकेट्स पर मैच से ज्यादा एवरेज कर रहे हैं और 15 विकेट्स में से 8 विकेट्स उन्होंने बोल्ड और LBW के फॉर्म में लिए हैं। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का आइडियल मैचअप एक राइट हैंड बैटर होता है और गुजरात के टॉप ऑर्डर में काफी राइट हैंड बैटर्स हैं। ये दोनों टीम्स अपने बॉलिंग पर ज्यादा यकीन करते हैं और दोनों साइड्स में अच्छे बॉलिंग फैंटेसी ऑप्शंस हैं। पर नटराजन के बॉलिंग स्टाइल एंड डिसमिसल टाइप को देखते हुए वे एक आइडियल वाइस कैप्टन पिक हैं। डार्क हॉर्स एल फर्गसन। गुजरात पेस बैटरी के अहम हिस्सा न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एल फर्गसन ने टाटा IPL 2022 में एक्सप्रेस स्पीड पर बॉलिंग करने के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लिए हैं। गुजरात के पिछले मुकाबले में उन्होंने कोलकाता के इन रिदम बैटर आर सिंह को आउट करके गुजरात को एक अच्छे पोजीशन में डाला था। फर्गसन एक आउट एंड आउट विकेट टेकर है जो अपने ज्यादा परसेंटेज ऑफ ओवर्स डेथ में डालते हैं, जहां पर विकेट्स लेने के चांसेस ज्यादा हैं। उनके पास काफी सारे वेरिएशंस हैं और वे अपने फास्ट यॉर्कर को स्लोअर बॉल्स के साथ अच्छा मिक्स करते हैं। इस मैच के लिए फर्गसन एक अच्छा लेफ्ट फील्ड पिक है।